अब सेशन को हमारी क्लासेस जो भी होती है आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं जूम पे। ओके अब जूम पे रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक और एडवांस क्या है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ए फंक्शन, ए फॉर्मूला, ये चीजें एडवांस है और बेसिक है, वो डिपेंड करती है हमारी यूज पे। अब इसका एक सटीक सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, सिंपल सा। देखिए एक सामने एक शीट है, मैंने एक शीट सेल पे 20 और दूसरे में हमने 30 लिख दिया हुआ है। हम 20 को सिलेक्ट करके कॉपी कर रहे हैं और 30 पे पेस्ट कर रहे हैं, तो 30 रिप्लेस हो जा रहा है। Right, या फिर मैं पेस्ट स्पेशल, इसमें पेस्ट स्पेशल भी एक होता है जो माइक्रोसॉफ्ट में देता है, तो पेस्ट स्पेशल बताता है आपको क्या पेस्ट करना है। तो इसमें एक ऑपरेशन का पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें एक ऐड, मैं अगर ऐड पे क्लिक कर दिया, अब क्या होगा, जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है, ये दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट आपके सामने पेस्ट हो जाएगा। ओके हो गया पेस्ट। तो आपने अभी सीखा कि आप पेस्ट स्पेशल की मदद से कॉपी करते समय कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे एडिशन हो, सबट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड। आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे यहां पेस्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि ये तो आप ये इसको हम बेसिक कह सकते हैं कि दे आर द बेसिक, ठीक है। अब इसका एडवांस क्या हो, अब मैं जो पढ़ाऊंगा ये तो ये चीजें आपको कोई भी पढ़ा दे, लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल जब पढ़ाएगा मेरे जैसा वो कैसे पढ़ाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको परसेंटेज का बारे में बताऊंगा कि अगर आपको एक्सेल के ऊपर में परसेंटेज डालना है तो आपको 20% का सिंबल लाना होगा, एंटर मारेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। अगर आपने 20 लिख दिया, एंटर मार के बाहर आ गए, फिर सिलेक्ट करके आप परसेंट का सिंबल डालेंगे तो 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। मतलब अगर आपको 20% का सिंबल बाद में लगाना है तो आपको टाइप करना होगा 0.20, मतलब कि 20/100 एंड इस पे हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर 500 का 20% निकालना है, अगर परसेंट में हुआ तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता था, हमें डिवाइड बाय 100 करना होता था। ऑलरेडी जब परसेंटेज टाइप करते हैं तो आप इसको जनरल फॉर्मेट में करेंगे, यहाँ से जनरल फॉर्मेट, तो ये आपको ऑलरेडी डिवाइड बाई 20 100 होता ही है, 20/100 होता ही है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यही भी प्रॉब्लम था कि हमारे एक कलीग हमें डेटा भेजते थे, किस तरह के परसेंटेज रेट परसेंटेज एंड कैलकुलेशन परसेंटेज होता था जो मुझे भेजते थे, मैं एक सैंपल का डेटा बना देता हूँ, तो क्या करते थे, परसेंट का सैंपल डाल देते थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे मुझे भेज देते थे, तो वो भी किसी इंटरनेट से डेटा निकालते थे, इंटरनेट से डेटा जो लेते थे तो परसेंट का सिंबल नहीं रहता था, जिस कारण से नंबर उनको कॉपी पेस्ट हो जाता और मुझे भेज देते थे। अभी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर 500 का 87% निकालना है, अगर 87% परसेंट के फॉर्मेट में हुआ तो जस्ट मेरा कैलकुलेशन दे देगा, बट 87 नंबर के फॉर्मेट में हुआ तो हमें क्या करना होगा, अपने कैलकुलेशन को चेंज करना होगा, मतलब कि डिवाइड बाई 100 लगाना, 100 करना होगा। अब प्रॉब्लम है कि उनके जैसे मुझे बहुत सारे लोग डेटा भेजते थे, अब मैं अपनी कैलकुलेशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्टली लोग जो भेजते हैं वो परसेंटेज में भेजते थे, कुछ लोग जो है इस तरह से भेजते थे, तो मुझे इस डेटा को अपने रिपोर्ट में यूज करने से पहले कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज। तो अगर मैं हर नंबर पे जाके परसेंट का सिंबल इस तरह के लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, डेटा का 10,000 हुआ तो। अब यही पे हम अपने इस फीचर का, जो फीचर दिख रहा है ना इसका, आपका इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 100, कॉपी करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसी में हम क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड, नाउ परसेंटेज कवर कर दी, ऑलरेडी कन्वर्टेड। ये तरीका जो आपको मैंने बताया चीजें वही है जो सीट वन में पढ़ाया मैंने आपको, बट सीट टू में जब मैंने इसको पढ़ाया तो मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया,
ठीक है, एक प्रॉब्लम जो कि आपके काम से मिलता जुलता था, राइट सर, फिर उसका सलूशन बताया, तो इसको भूलने में आपको टाइम लगेगा, जहां तक है कि आप अपने काम से इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि यार इसको तो अपने काम में ऐसा कर सकते हैं, समझ गए? जी सर। इसी तरह से अब कुछ और कंसेप्ट जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सिस्टम में टुडे जो होता है करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है, और नाउ जो है डेट एंड टाइम निकाल के देता है, ठीक है? ठीक है सर। अब एक और फॉर्मूला होता है मोड का, मोड फॉर्मूला क्या करता है, रिमाइंडर सेसफल निकालता है, पता है सेसफल क्या होता है सर? जी सर। हाँ, जो ये चार देगा ना, 5 to 10 हो जाएगा, 4 बचेगा सेसफल, यस सर, ये 4 निकालता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं, समझे? राइट सर। लेकिन मैं इस मोड फॉर्मूले से नाउ फॉर्मूले में से सिर्फ टाइम को अलग कर सकता हूँ। ओके, बोलेंगे यार ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई, ये अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया, दोनों में कोई लिंक तो नहीं है ना? नहीं है सर। बट यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि अगर मैं टाइम डेट एंड टाइम को जब जनरल में करता हूँ तो कुछ नंबर्स एंड पॉइंट्स में आते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो डेट होता है, और जो पॉइंट्स होते हैं वो टाइम होता है, टाइम होता है, पॉइंट्स को अलग करूंगा, समझे? समझ गया सर। अब पॉइंट्स भी कैसे अलग होगा मोड से, क्योंकि मोड तो सेसफल निकाल के देता है ना, पॉइंट्स कैसे निकाल के देगा हमें, डेसिमल कैसे निकाल के देगा? तो एक छोटे से मैथमेटिकल कंसेप्ट, आई थिंक आपने थर्ड या फोर्थ में पढ़ा होगा, हम लोग हिंदी में पढ़े थे सेकेंड में, कि किसी भी नंबर को किसी अनदर नंबर, किसी भी नंबर को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो सेल्स फॉल 0 आता है। उसमें भी एक कॉज था, जो कॉज बहुत कम लोग जानते थे, कि कॉज ये था कि अगर नंबर डेसिमल में हुआ तो सेस फल डेसिमल आएगा। तो मैं यहां मोड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और 1 दे दूंगा, वी गॉट द ओनली फॉर डेसिमल बेसिस, एंड इसको फिर टाइम में कन्वर्ट कर लूंगा। अब बोलेंगे सर ये चीजें क्यों बता रहे हैं, तो कहने का मतलब ये तो छोटी चीज इसलिए बता रहा हूं कि शुरुआत में आपको समझ में आएगा कि किस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती है, समझ गया ना? राइट सर। तो ये ट्रिक्स हम हर जगह पे इसी तरह इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं, थोड़ा सा रियलिस्टिक होगा आपके काम से रिलेटेड, मान लीजिए कि मैंने एक डेटा 1 नाम का, हाँ एक मिनट ओपन हो रहा है, एक डेटा है हमारे पास, है ना जी सर। अब ये डेटा जो है ज्यादा भी हो सकता है, अब मुझे ये डेटा में से यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा एरिया है नॉर्थ साउथ ईस्ट, अब बात है कि नॉर्थ का कोई और बंदा हैंडल कर रहा है, साउथ कोई और बंदा हैंडल कर रहा है, सेंट्रल कोई और बंदा हैंडल कर रहा है, और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर से डेटा डाउनलोड हुआ पूरा कलेक्टेड डाउनलोड हुआ, अब मुझे इस डेटा को जोन के हिसाब से क्या करना है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद फिर उसको अलग अलग फाइलों में भेजना है। तो जनरली आप लोग क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे जी सर, कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास क्या है ना कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जोन, तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन जोन भी हो सकती है एमआरपी 50 से ऊपर होना चाहिए, मंथ जनवरी होना चाहिए, नेम फलाना हो चाहिए, डेट बिटवीन का होना चाहिए, कई सारे कंडीशन हुए तो फिल्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, राइट सर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पिवट का इस्तेमाल करते हैं, आप सोचेंगे सर पिवट टेबल तो डेटा समरी बनाता है, हमें तो समरी नहीं चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा डेटा चाहिए। तो हमने क्या किया, अभी जोन बाइज जो जोन है हमारा कहाँ गया, एरिया, हाँ एरिया बाइज हमने यहाँ पे कुछ नहीं काउंट्स ले लिए, तो बता दिया कि हमारे डेटा में किस किस एरिया में कितना डेटा है, ठीक है जी सर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करते ही पिवट क्या करेगा, एक नई सीट पे सिर्फ उसी जोन का डेटा, मतलब जो पिवट में फिल्टर था, यहाँ पे हम फिल्टर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, स्लाइस आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और डबल क्लिक किए करते ही एक अलग सीट पे आपके सामने आ गया।
अब मैं सी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और करूंगा मूव एंड कॉपी, और इसको एक नई फाइल में मूव कर लूंगा। इसको सेव कर लीजिए। अब फिल्टर में जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि पीछे के डेटा भी कॉपी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, और टाइम भी कंज्यूम करता है बहुत जब डेटा लार्ज हो। छोटा डेटा में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पता चलेगा। जब डेटा आपके पास अगर मान लीजिए 70-80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का होगा रो का, तो दिक्कत होगा। तो वहां पे इस तरह की ट्रिक्स होते हैं। अब ये चीजें मुझे कैसे पता है, बात आती है। देखिए मेरे पास जो है तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस है। दो तरह के एक्सपीरियंस है। पहले कि मैंने 14 कंपनियों में काम किया है। मैं 2003 से लेके 2016 तक ऑफिस में काम किया है, और काम और क्लासेस दोनों लेता था। मेरी जो शिफ्ट थी वो यूएस शिफ्ट थी, तो मैं मॉर्निंग में जो है 12 बजे तक क्लासेस लेता था, सैटरडे संडे क्लासेस लेता था। इसके बाद क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो हम घर पे काम और क्लासेस और काम दोनों करने लगे। मैंने जॉब छोड़ दी एंड रिपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेडिंग का शुरू कर दिया, और मैंने मोर देन 1 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया है, और दे आर द वर्किंग प्रोफेशनल। मेरी पहली क्राइटेरिया होता है कि हम फ्रेशर को क्लासेस नहीं देते। हमारे पास फ्रेशर फोन करते हैं, हम बोलते हैं कि आप पहले 1-8 साल कहीं एक्सेल पे काम कीजिए, देन हमारे पास आकर लर्न कीजिए। बहुत ही कम रेयर केस में बहुत लोगों ने फोर्स किया होगा कि मेरा भाई है, मेरे स्टूडेंट होंगे, भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा कोई है, प्लीज करा दीजिए, करा दीजिए, करा दीजिए, समझ जाएगा। तो रेयर केस में मतलब कि 20-25 लोगों को ही पढ़ाया होगा इस 17 साल में जो फ्रेशर थे, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर को पढ़ाने का बेनिफिट क्या होता है कि आप जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं ना होगा। क्वेश्चन इट मीन्स योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट सर। तो इसलिए मेरे पास इस तरह की ट्रिक्स का कलेक्शन है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो कहते हैं कि सर मेरी सवाल खत्म होने से पहले आप जवाब कैसे दे देते हो। मुझे पता कि आपसे पहले ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये तो हो गई हमारी सिलेबस के बारे में कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी सिलेबस के बारे में। तो iptindia.com पर जब जाएंगे तो iptindia.com पे मेरा सिलेबस आपको मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दो तरह की क्लासेज है, वीडियो क्लासेज है और एक हमारा लाइव क्लासेज है। अगर हम वीडियो क्लासेस की बात करें तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में क्लासेज है, जो कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं, ले सकते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कीजिए और आराम से मेरी क्लासेस को ले सकते हैं। आपको मेरा मोबाइल app.iptindia.com जाके सिस्टम पे ले सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से जाके मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मेरी क्लासेस आपको दिखेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लासेस में क्या होता है कि आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस में आपको खुद ब खुद आपको क्लास सीखना होगा। अगर प्रॉब्लम होती है वीडियो देखते समय, हम आपको टेलीफोनिक सपोर्ट दे देते हैं कि हाँ, देखिए मैंने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया ओटीपी के साथ, ईमेल आईडी से भी ओटीपी ले सकते हैं, मोबाइल अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ इंडिया है उनको ओटीपी एसएमएस नहीं जाता है, तो ईमेल की ओटीपी ले सकते हैं। तो इसको स्टोर में, इसके स्टोर में आएंगे आप, यहाँ स्टोर में, तो यहाँ पे आपके पास इस सिलेबस आपको दिखेगा। ये ऑल कोर्सेज का है, ये आपका MIS का है, ये पावर BI है, ये आपका एक्सेल है जो देख पा रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में, और साथ में इसके साथ फाइल्स भी है प्रैक्टिस करने के लिए। कंटेंट पे आप जाके देखेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा मेनू के हिसाब से कैटेगरीज है, सीक्वेंस के हिसाब से। इसमें डेटा मेनू पे क्लिक किया तो डेटा मेनू की सीक्वेंस है, और साथ में देखिए इसका जिप फाइल में इसका फोल्डर भी डाला हुआ है कि आप क्लिक करके यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड करके आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी लॉक है, जब बाय कर लेंगे तो अनलॉक। देखिए रिकॉर्डेड है,
अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे अभी आप जूम पे मुझसे पढ़ रहे हैं, आप ऐसी सारी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी लाइव क्लास में आपको जाना होगा, ठीक है। जब लाइव क्लास पे आप आते हैं तो आपके सामने मेरी क्लासेस आपको दिखेगी। अभी जिसकी बातचीत कर रही है, इसका मैंने पीडीएफ भेजा है, वो है आपका एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। जी सर। इसकी ड्यूरेशन एवरेज है 35 to 45 hours। अब एवरेज क्यों है, क्योंकि ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चंस और आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी के ऊपर। अब कोई कैप्सूल तो नहीं आया ना कि सुबह शाम दो गोली खिलाओ और मैं 30 गोली 15 दिन में काम खत्म, क्या ये तो लर्निंग है। हर किसी की अलग अलग स्पीड होती है, तो 35 से 45 घंटे की मेरी एवरेज टाइमिंग है कि हो जाता है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। हो सकता है कि 30 घंटे, हो सकता है 50 या 55 या 60 घंटे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हम आपको 1 आवर की क्लासेस देंगे, 1 आवर 45 मिनट से 1 आवर वो भी रहती है, ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है। मान लीजिए मैंने टॉपिक कराया और 35 मिनट में टॉपिक खत्म हो गई, और उसके बाद आपने 8-10 क्वेश्चन पूछ दिए, तो 35 मिनट के बाद फिर आपको जो है 20 मिनट आपके क्वेश्चन पे देना पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। 35 बार आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सर मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगली टॉपिक ना पढ़ाए, क्योंकि एक टॉपिक की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं अगली टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, तो क्लास उस दिन फिर हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या कवर है, ये हाईलाइट मैंने दिया हुआ। अच्छा, इसके भी 2 पार्ट देख रहे होंगे, एक फास्ट ट्रैक लेवल भी आप देख रहे होंगे, तो ये उनके लिए है जिनको कुछ सिलेक्टेड पार्ट सीखना है, सब कुछ नहीं सीखना है। like 5-6 घंटे की कस्टम क्लास ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल बैच होता है इसमें, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल बैच होता है, इसमें ग्रुप नहीं होता है। इसके अंदर आपको 1 से 3 लोगों का ग्रुप होता है, ये चीज मैंने कोर्स डिटेल्स में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप जो खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैच साइज 1 to 3। राइट सर। तो 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं, और इसमें जो है आपको जो है बैच साइज देखेंगे तो यहाँ पे 1 to 1 दिख रहा होगा, क्योंकि ये कस्टमाइज है ना सर, सबको तो नहीं सीखना है ना, आपको जो सीखना होगा पूरी के सेकंड को ही सीखना होगा। जी सर। हाँ, इसमें एक चीज और है आपको कि क्लास की वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल, और एक और बेनिफिट आता है फ्री रीज्वाइनिंग। देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि मैं पहले से जानता था, यूज नहीं किया था, सारा वेस्ट हो गया, समझ में दिमाग से उड़ गया, सेम चीज यहाँ भी हो सकती है ना, कि आपने सीख तो लिया, आपने यूटिलाइज नहीं किया, भूल गए, लेकिन सडनली आपकी जरूरत आ गई, दैट टाइम आप आके आप मेरी किसी भी रनिंग बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फ्रेश बैच नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आप ही को नहीं पढ़ाऊंगा, तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना सर। हाँ, लेकिन किसी को पढ़ा रहा हूँ तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर पुराना स्टूडेंट आ गया तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है ना, मुझे पढ़ाना ही है, आया ना है, तो इस बेस पे रीज्वाइनिंग आपका फ्री है, उस समय कोई चार्ज नहीं करते। जी सर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। तो अब टाइमिंग की बात करते हैं कि टाइमिंग कौन से टाइमिंग आपको सूट करेगा। टाइमिंग मेरे पास में मॉर्निंग का है, जैसे अभी जैसे 9:15 का भी अगर हम टाइम देखते हैं ना, तो मुझे 10 o'clock तो किसी भी हालत में निकलना होता है ऑफिस के लिए। हमारी जैसे क्लास बताया मैंने, 35 से 45 मिनट की क्लासेज होती है, ठीक है ना, कभी कभी क्लास 1 घंटे की हो जाती है, वो भी जब टॉपिक लंबी होता है, या फिर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो कि लीड से हटके है, मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया, तो रियल केस में कुछ क्लासेस जो है घंटे से ऊपर जाती है, तो 9:15 जो है आपको लिए सुटेबल होगा, आप कर सकते हैं। शुरुआत में तो 10 से पहले ही खत्म हो जाएगी बैच आपकी, आपकी जो है 9:40, 9:45, 9:50, 9:55 तक खत्म हो जाएगा। जी सर। क्योंकि शुरुआत में आपके पास क्वेश्चन होंगे नहीं, प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज दूंगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में जब तक कुछ नॉलेज एक्सेल का ना डालूंगा तब तक आपसे कुछ कैसे आउटपुट की आशा रख सकता हूँ। सही बात है। तो ये आपके लिए टाइम मिल जाएगा, मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन और... तक ये अवेलेबल रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके बाद भी कोई आगे बात करेगा, उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ कल से रेडी हूँ, तो ले सकता है। सही बात है। ठीक है, तो ये टाइम आप ले सकते हैं, तो कल से शुरू कर सकते हैं आप।